बता दें ब्रज संत पंडित गयाप्रसाद जी महाराज की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के घंटाघर स्थित गयाप्रसाद चौक पर बनने वाले गयाप्रसाद स्थल और शहर के भूरा पीर चौराहे स्थित गोपाल धाम में भगवान गिरिराज महाराज के 56 भोग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हाथरस पालकर चेयरमैन आशीष शर्मा शामिल हुए। नगर पालिका चेयरमैन आशीष शर्मा ने ब्रज संत पंडित गयाप्रसाद जी महाराज की 128वीं जयंती पर शहर के घंटाघर स्थित पंडित गयाप्रसाद चौक पर बनने वाले गयाप्रसाद स्थल का पूजा अर्चना करते शिलान्यास किया। बाद में चेयरमैन आशीष शर्मा ने शहर के भूरा पीर चौराहे स्थित गोपाल धाम में ब्रज संत पंडित गयाप्रसाद जी महाराज की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में भगवान गिरिराज महाराज के 56 भोग कार्यक्रम में चेयरमैन आशीष शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करते हुए गिरिराज महाराज का पंचामृत से अभिषेक किया। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। हमारे जनपद हमारे नगर के श्रेष्ठ संत पंडित गयाप्रसाद जी की 128वीं जन्म जयंती समारोह पूरे नगर में जनपद में प्रदेश में भव्यता के साथ आयोजन हो रहा है और नगर हाथरस जो कि उनकी जन्मस्थली का केंद्र है वहाँ भी यहाँ के घंटाघर चौक को जो कि पिछले वर्ष पंडित गयाप्रसाद जी चौक के नाम से नगर पालिका द्वारा घोषित किया गया था उस पर आज एक बहुत सुंदर स्थल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि इस शहर की सुंदरता में समृद्धता में और इसकी संस्कृति में एक बहुत बड़ा रोल वो अदा करेगा और पंडित गयाप्रसाद जी का हमारे जनमानस में पूरे ब्रज में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार बाबा गोवर्धन महाराज की कृपा से उन श्रेष्ठ संत को खुद उन्होंने गोदी में भगवान कृष्ण को खुलाया उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे नगर पर है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कोविड काल में भी हमारे नगर में जिस प्रकार इन श्रेष्ठ संतों के आशीर्वाद से गोवर्धन महाराज के आशीर्वाद से हम लोग बहुत कम हानि उठाई है हमने और हम बहुत शक्तिशाली नगर की तरह लड़े हैं, ईश्वर से विश्वास करते हैं कि आज पंडित जी की इस जन्म जयंती समारोह में हम शहर को एक नया बहुत जल्दी एक सुंदर स्थल बनाकर देंगे और सभी की सुख शांति और समृद्धि की कामना करेंगे।